सब कुछ है यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण सेवा के स्वर्णिम जयंती 2022 की तैयारी में जो आत्मिक साधना का ये दूसरा दिन है, इस दूसरे दिन में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच में द्वारका पल्ली के प्रार्थना ग्रुप प्रभु की कृपा के गायन मंडली के द्वारा स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की जाएगी। इसके बाद आदरणीय फादर आरोग्य नाथन, जो जीवन ज्योति आश्रम के सहायक निदेशक हैं, उनके द्वारा प्रवचन दिया जाएगा। राज का जो विषय है पाप और पश्चाताप। इसके बाद हमारे बीच में अपने जीवन की गवाही प्रस्तुत करेंगी सुमन लता, जो नजफगढ़ पल्ली की हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है आज इस आत्मिक साधना के दूसरे दिन में हम सब भाग ले और प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। सबको जय यीशु की, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। वचन संहिता 150 कहता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही बजाते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब आपका स्तुति गान करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें आपने अवसर दिया है इस साधना में भाग लेने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा गाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम सब एक गाने के द्वारा प्रभु की महिमा गाएं। पैदा
पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाओ, बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। पवित्रता के लिए प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और पवित्रता की साधना करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर बुलाया है। चालीसे के अवसर पर हम अपने आप को पवित्रता की राह पर ले चलने के लिए कोशिश करते हैं, और अथक परिश्रम हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें प्रभु जैसे पवित्र बनना है और प्रभु के रास्ते पर चलना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु की कृपा से हैं, आनंदित हैं, और प्रभु आनंद के साथ हम सबको बुलाता है, स्वागत करता है। तो हम भी अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी वाणी को प्रभु के लिए दे दें, और विशेष रूप से हमारा हृदय साफ होना चाहिए, जहाँ पर प्रभु पवित्रता चाहता है, हम अपने हृदय को पवित्र करते हुए उसकी एक बार स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु की प्रतिज्ञा है, योएल के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 के बाद 2 तक प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु की ये प्रतिज्ञा हमारे बीच में निरंतर बनी रहती है, और हम जब उसे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। तो इस समय में, तैयारी के समय में, जब हम साधना के लिए आए हैं और चालीसे की तैयारी कर रहे हैं, पाश का पर्व के लिए, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा, हमें राह दिखाएगा, हमारी अगुवाई करेगा। तो आइए हम एक पवित्र आत्मा का गाना लेंगे, और उसके गाते हुए हम अपने आप को भरे, अपने आप को समर्पित करें, नया जीवन मांगे, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा मुझ में आ जा और मुझ में भर जा, यही प्रार्थना हमारी होगी। Say,
अंधकार को दूर कर, इस संसार का रूप नया बना दे, जिससे हम तेरी महिमा में जी सके। हे प्रभु यीशु, तू मार्ग सत्य और जीवन है। हम तेरी महिमा और तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हे प्रभु हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सके। पावन आत्मा, तेरी दया और करुणा की हमें जरूरत है। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, तू हमारा है, हम तुम्हारे हैं, तो तेरे ही बने रहना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, आइए प्रभु, आइए हमारे दिल में निवास कीजिए प्रभु। हे पावन आत्मा, अपनी उपस्थिति हमें दे दे। हम अपने हाथों को सीने से लगा ले, दोनों हाथों को सीने से लगाकर हम प्रभु से निरंतर प्रभु से बातें करें, क्योंकि वह महिमा में ईश्वर है, हमारे दिल में निवास करता है, उसकी उपस्थिति। वह कहता है जान लो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। आज हम जो भी वचन सुनेंगे, जो भी वचन सुनाने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, उन सब पर प्रभु अपनी आशीष दे। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हम वचन के सुनने वाले नहीं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हम सुन सकें और वचन सुनाने वाले के होठों को प्रभु शुद्ध रखे और अपनी इच्छा के अनुसार वचनों को उनके द्वारा हमारे बीच में फैलाए। हम मां मरिया से प्रार्थना करें, क्योंकि वह सुसमाचार प्रचारक लोगों की तारीका है। वह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है, उसने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना किया। आइए हम हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर माता मरिया से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम पाप और उसके परिणाम के बारे में मनन चिंतन करने के लिए मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन चुनाव करते हैं, निर्णय लेते हैं, जैसे कि हम क्या खाए, क्या पिए, क्या काम करें और कहाँ रहे इत्यादि। किंतु कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए किए हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, भाई बहन, लिंग, रंग रूप, मुखाकृति, राष्ट्रीयता आदि। इसलिए संत पौलुस एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1:4-5 में कहते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। ईश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सृष्टि किए हैं। इसलिए जो चुनाव हम करते हैं, वे ईश्वर द्वारा किए गए चुनावों को बढ़ाए, ताकि हम सदा उसके साथ रहें और दूसरों के जीवन को प्रभावित करें। हम कभी कभी ईश्वर का मार्गदर्शन बिना खोजते हुए और बड़ों की और प्रियजनों की सलाह नहीं मानते हुए अपनी भावनाओं, सपनों, कल्पनाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार मनमाने चुनाव और निर्णय लेते हैं, जिसका बुरा असर हम पर, हमारे परिवार पर और समाज पर पड़ सकता है। मुक्ति के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इसराइल जनता का नेतृत्व पहले अब्राहम, आइसक, जेकब
और मोसे जैसे पैट्रियक द्वारा किया था, और उसके बाद योशुआ, गिदियोन और समसोन के द्वारा किए थे, और उसके बाद एली और सैमुएल जैसे नबियों द्वारा किया था। लेकिन इसराइल जनता अन्य फिलिस्तीन और अमोराइट्स जाति के लोगों जैसे उनका नेतृत्व करने के लिए एक राजा की मांग कर रहे थे, और ईश्वर ने साउल को चुना। नबी सैमुएल ने सौल की राजा के रूप में अभिषेक किया। राजा सौल द्वारा इसराइली जनता शत्रुओं से विजय पाकर सुरक्षित थी। ऐसे हाल में एक समय इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध होने वाला था। युद्ध के पहले प्रभु को होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाकर आशीष पाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही वे युद्ध के लिए निकलते हैं। यह एक परंपरागत नियम था। यह बलि अर्पण करना नबियों का काम था। राजा राज्य कर सकते हैं, अपनी प्रजा पर शासन कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना, बलि अर्पण करना अभिषिक्त लोगों का काम था। आज भी ऐसा ही है। युद्ध के लिए निकलने का समय आ गया था और सैमुएल आने में देर कर दी, इसलिए सौल होम बलि चढ़ाई जो ईश्वर की नज़र में बड़ा पाप था। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रभु ने उसको राजाधिकार से निकालकर राजा दाऊद को चुना। यह ईश्वर के विरुद्ध पाप का एक उदाहरण है। राजा दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वे इसराइल राजा के दूसरे राजा थे और इसराइल देश का 40 साल तक शासन किया। वे एक शूरवीर थे, एक कलाकार थे, उन्होंने कई स्तोत्र ग्रंथ लिखे थे। उनके विषय में ईश्वर प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 22 में कहते हैं, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य इससे का पुत्र दाविद मिल गया है। ईश्वर का लाडला होने के बावजूद उन्होंने बत्सबा को पाने के लिए उनके पति उरिया की हत्या करवाया था। इस प्रकार ईश्वर के नज़र में मानव के विरुद्ध पाप किया। तो आइए, पाप क्या है और पाप की परिभाषा क्या है, उस पर हम मनन चिंतन करें। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा पाप की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध अपराध पाप हैं। पाप तर्क, सत्य और सही अंधकरण के विरुद्ध हैं। पाप ईश्वर और पड़ोसी के प्रति निष्कपट प्रेम में असफलता है। संत अगस्टिन कहते हैं, शाश्वत नियम के विरुद्ध बोल, काम या इच्छा पाप हैं। धर्म ग्रंथ के कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट करते हैं। संत योगन अपना पहला पत्र में कहते हैं, अराजकता यानी लॉलेसनेस पाप है। जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और अपनी मनमानी करना पाप है। नियम और कानून अच्छी व्यवस्था के लिए और अपनी स्वयं की भलाई के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, हमें मालूम है कि स्कूल, ट्रैफिक या भीड़ और सरकारी नियम आदि। उसी प्रकार ईश्वर ने मोसे द्वारा दिए गए 10 नियम और कैथोलिक कलीसिया ने दिए गए 6 नियम स्वयं की भलाई के लिए
और समाज कल्याण की वृद्धि में बढ़ावा देने के लिए होते हैं। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं, मोसे लोगों से कहते हैं, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे और प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। संत याकूब कहते हैं, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उससे पाप लगता है। ईश्वर ने हर एक को सही और गलत का नैतिक ज्ञान या अंतकरण दिया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो। संत पौलुस भी यफिसियों के नाम पत्र में कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आजकल क्या हो रहा है? आज बहुत से माता पिता अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में भर्ती कर दिए जाते हैं। जिन माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, उन्हें हम उनके बुढ़ापे में इनकार करते हैं और उनके मन और दिल में दर्द पहुंचाते हैं। यह कितना बड़ा पाप है। हमें मालूम है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें जो नहीं करना चाहिए उसे हम करते हैं और पाप करते हैं। अभी हम पाप के प्रति सचेत होने के लिए ईश्वर कैसे हमारी सहायता करते हैं, उस पर हम मनन करें। ईश्वर की 10 आज्ञाएं, जिसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1-17 तक पढ़ते हैं, वे एक सटीक परीक्षण सूची हैं। 10 आज्ञाओं में पहली 3 ईश्वर के विरुद्ध पाप हैं और बाकी 7 पड़ोसी के विरुद्ध पाप हैं। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में कहते हैं, संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है, और आगे में अध्याय 7 और वाक्य 7 में कहते हैं, यदि संहिता नहीं होती तो मुझे पाप का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज्ञा या नियम पाप के प्रति सचेत होने के लिए हमारी सहायता करते हैं। और ईश्वर का वचन, जब हम ईश वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारते हैं तो हमें और हमारे जीवन में पाप का बोध होता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101 वाक्य 7 को पढ़ते समय हमें मालूम होता है कि छल कपट करना, झूठ बोलना पाप है, क्योंकि लिखा है कि जो जल कपट करता है वह मेरे यहाँ नहीं रह पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे आँखों के सामने नहीं टिकेगा। और संत मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि केवल हत्या करना नहीं बल्कि क्रोध करना भी पाप है और किसी को मूर्ख कहना भी पाप है। और संत मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकामी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम
अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। संत याकूब कहते हैं अध्याय 3:10 में, एक ही मुख से स्तुति निकलती है और अभिशाप भी, तो हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? स्तुति या अभिशाप, निर्णय लेना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम कर्म द्वारा ही पाप करते हैं, यानी हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, परोक्ष रूप में पाप होते हैं, और अपरोक्ष रूप में गरीबी, शोषण, दुख, बीमारी, प्रदूषण आदि को बढ़ावा देने वाले कर्म पाप बनते हैं। डींग मारना, दोषारोपण करना भी बड़ा पाप होता है। लूकस का सुसमाचार में अध्याय 18 में हम देखते हैं दो व्यक्तियों के बारे में, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हुआ और मन की मन इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार के तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10वां अंश दे चुकता हूँ। डींग मारना, घमंड करना, अपने आप को पूर्ण समझकर औरों को नीचा समझना भी बहुत बड़ा पाप है। और प्यारे भाइयों और बहनों, जरूरतमंद की मदद नहीं करना भी पाप है। लूकस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं एक अमीर व्यक्ति जो बैंगनी वस्त्र और मखमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, और वह अमीर की मेज की जट्टून से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े छाटा करते थे। उस अमीर आदमी को लाजरस की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यह घमंड में स्वार्थ जिंदगी जी रहा था। और गरीब इंसान और जानवरों को एक ही दृष्टि से देख रहा था। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें धन संपत्ति देते हैं ताकि हम उससे गरीबों की और पद दलितों की सेवा करें और उसके द्वारा समाज में समानता लाने की कोशिश करें। इसलिए जब एक धनी युवक यीशु से पूछा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यीशु बताते हैं केवल 10 आज्ञाओं का पालन करने से कोई अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि धन संपत्ति को गरीबों में बांट देने से स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। किंतु ये सब सुनने के बाद वह धनी युवक उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। लेकिन अपना मन परिवर्तन के बाद नाकेदार जखियुस कहता है, हे प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। तब ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारी अशर्फियों का और पैसा का सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए
भलाई के लिए करते हैं तब हम इस दुनिया में ईश राज्य के लिए काम करते हैं। अंत में प्यारे भाई और बहनों, पाप के परिणाम के विषय में हम जरा सा मनन चिंतन करेंगे। इस बात को समझने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में आदि मानव का पतन का सहारा लेंगे। आदि मनुष्य और स्त्री की सृष्टि करने के बाद प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन वाटिका में रख दिया, जिससे वे उसकी खेतीबारी और देखरेख करते रहे। और ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। फिर भी शैतान के जाल में फंसकर आदि मनुष्य और स्त्री दोनों ने पाप किया। उसका परिणाम यह हुआ कि वे ईश्वर से अलग हो गए थे। भय और अपराध का बोध ने उन्हें सताया और उसके बाद वे दोनों दोष लगाते हैं, आदम हेवा पर और हेवा सांप पर। उन्हें दुख और दर्द का जीवन बिताना पड़ा और अंत में शारीरिक मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। दूसरा परिणाम आत्मिक मृत्यु। संत पौलुस कहते हैं, पाप की वेतन मृत्यु है, पश्चाताप के द्वारा इस पर विजय पाई जा सकती है। शमनीय या लघु से आत्मा मारु पाप। प्रभु येसु हमें पाप के मूल कारण ले जाते हैं और कहते हैं, यदि इसका निवारण न किया जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाइबल अपने विचार और भावनाओं को भी स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए सिखाती है। हम क्रोध, दुश्मनी, नफरत, विरोध भावनाओं को नहीं त्यागते हैं तो ये भावनाएं हत्या में बदल सकती हैं। और बुरी नज़र से देखने की आदत को यदि हम शुद्ध करके अच्छी आदत में नहीं बदलते हैं तो व्यभिचार का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं पाप, उदाहरण के लिए क्रोध, नफरत और दुश्मनी, बीमारियों का कारण बन सकता है, विशेष करके कैंसर, डिप्रेशन या उदासी, हार्ट अटैक, ऐसे बीमारियां पाप से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार में प्रभु एक अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और योगन का सुसमाचार में एक मनुष्य को जो 38 वर्षों से बीमार था, उसे चंगाई प्रदान करने के बाद यीशु उनसे कहते हैं, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। तो आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि पाप ईश्वर के प्रेम के लिए बाधक हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। हम पापमय जीवन छोड़कर एक पवित्र और निर्दोष जीवन बिताने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और दया की याचना करें और शुद्ध मन से ईस्टर पर्व मनाने के लिए योग्य बन जाए और एक नया पिंतेकोस्ता का अनुभव करें। हम सब मिलकर माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय, आमीन। हम सब मिलकर बोले, ए पिता हमारे
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जिसके आदि में थी अबंध का तो सर आगे, आमीन। सबको जीशु जीशु। मेरा नाम लता है, मैं दिल्ली कैंट झड़ेला गांव में रहती हूँ और हमारा पारिश सेंट पॉल चर्च है। और हमारे पारिश से हम बुराड़ी गए थे जीवन ज्योति आश्रम, वहाँ पर ही हम 3 दिन का प्रार्थना में गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था, उसका पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो 3 दिन तक हम वहाँ बुराड़ी जाते रहे। उसके बाद 3रा दिन मेरे हस्बैंड को मैं लेके गई, मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाहते थे, फिर भी हम उसको लेके गए थे चर्च में कि चलो अब तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ जाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। तभी भी मैं अपना प्रार्थना कर ही रही थी कि जीसस हम आपके दरवाजा पे आए हैं और ये सही हो के ही जाना चाहिए मेरा हस्बैंड, ऐसे बोल के मैं वहाँ प्रार्थना कर रही थी, रो रो के प्रार्थना करती रही। ये शाम को जब प्रार्थना ख़त्म हुआ फिर हम बुढ़ारी से घर आपस आए, 6:30 तक हम घर आ गए थे। आने के बाद में फिर रात भर मेरे हस्बैंड ठीक थे, फिर रात को उसको फिर बहुत ज़्यादा तेज दर्द उठ गया तो फिर हम उतने ही समय में उसको अस्पताल लेके चले गए। तो लेके जाने के बाद में एक भाई थे मेरे जो कि उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलता था, और फिर उस दिन उसको छुट्टी मिला तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठा के मुझे लेके गया। और जब मैं अस्पताल पहुंची तो अचानक से बहुत भीड़ था। फिर वहाँ जैसे मैं गई डॉक्टर को बोली, डॉक्टर साहब ये हमारे हस्बैंड बहुत सीरियस है और पता नहीं इसको अचानक पेट में दर्द हुआ, तो जल्दी से उसको इमरजेंसी में भर्ती कर लिए। और इतना फटाफट उसका हर टेस्ट होने लगा, जल्दी जल्दी सारा टेस्ट करने लगे डॉक्टर सब, जैसे कि किसी ने बोला हो ऐसे बिना बोले बोले उसको फटाफट सारा टेस्ट करे। उसके बाद में बोले कि इसका, तो बड़े डॉक्टर के पास जब गए तो वहाँ मुझे बुलाया गया कि आप आ जाओ ज़रा। तो जब मैं गई तो बोले आप इसमें साइन करो, आपके हस्बैंड का पेट के अंदर में जो हाथ है उसमें छेद हो गया है, तो वो मतलब पक चुका है और वो फट जाएगा, तो अच्छा हुआ आप जल्दी लेके आए हैं, अगर साइन नहीं करोगे तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो आप इतना दिन कहाँ रहे, हमें पता नहीं था डॉक्टर साहब ये बीमारी है हमारे हस्बैंड को, अचानक से इसको दर्द उठा था। तो बोले ठीक है, आपको भगवान ही बचाया है, चलो आप जल्दी साइन करके इसमें दो आपके हस्बैंड को। फिर मैं विश्वास करी बहुत कि इसमें दो आपके हस्बैंड को, फिर मैं विश्वास करी बहुत ज़्यादा जीसस से विश्वास कर, जीसस आप ही जो कर रहे हैं आप ही, और सही सलामत मेरा हस्बैंड को आप भेजना। मैं आपसे यही दुआ कर रही हूँ कि मैं, हमारा घर में यार कोई नहीं है, यही है कमाने वाला, हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे लोगों ने हमारे बच्चा पढ़ रहा है, अगर इसका कुछ हो जाएगा तो हम वहाँ से कौन क्या करेंगे करके हम बहुत रोने लगे। तो जीसस उसको भड़क से फिर ऑपरेशन करने में थिएटर पे ले गए। जब तुरंत हर चीज़ इतना जल्दी हुआ कि हमें भी कुछ पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ, डॉक्टर फटाफट एकदम बड़ा सीनियर डॉक्टर आए थे, जल्दी एकदम हमें बिना पूछे ही सब कुछ करके एकदम, बस सिर्फ साइन ही मांगे थे। और उसके बाद हमें बाहर बैठ के रो रही, तो मेरे आके बोले डॉक्टर कि तुम्हें रोना नहीं है कुछ, तुम भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, रोने से कुछ नहीं होता है, ऐसे करके बोले। फिर हम बाहर ही बैठ के प्रार्थना करते रहे, जीसस का नाम लेते रहे, जीसस आप मेरे हस्बैंड को सही करके भेजना, मैं आपसे विश्वास करती हूँ, आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, कर कर के मैं प्रार्थना करती रही। उसके बाद में सुबह जो 7 बजे लेके गए थे ऑपरेशन के लिए, दिन में 3:30 बजे उसको बाहर लाए। तो डॉक्टर को मैं पूछी, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो बोले कि बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करी कि जीसस मेरे पति को बहुत सही सलामत से लेके आए बाहर,
और इसलिए मैं जीसस से बहुत ही ये इसलिए मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जीसस से इतना प्रार्थना करी कि मेरे हस्बैंड आज सही सलामत और 3 साल से भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये इसलिए मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। इसलिए इस दूसरे दिन के साधना में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद, साथ ही साथ ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनके वचनों को हमने सुना और उसके द्वारा हम सबको आशीष मिली। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की कृपा प्रार्थना सभा के गायन मंडली को, जिनके गायन के द्वारा हम सबको सांत्वना आशीष कृपा मिली, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हम देते हैं आदरणीय फादर आरोग्यनाथन को, जिनके वचन के द्वारा जिन्होंने पाप और क्षमा के बारे में हम सबको बताया, उनके वचनों के द्वारा हम प्रकाशित हुए और हमें इस चालीसे के अवसर पर जीने का एक नया रास्ता हमें अनुभव हुआ मिला, उन्हें विशेषकर धन्यवाद। साथ ही बहन सुमन लता को भी धन्यवाद, उनके जीवन की गवाही के द्वारा हम सबको हमारे जीवन में जीने की एक और जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से भाइयों और बहनों, आज जिस तरह से दूसरे दिन आप सब यहाँ पर आए और इस साधना में भाग लिया, मैं आप सब से हार्दिक निवेदन करता हूँ कि कल भी तीसरे दिन की आत्मिक साधना में आप सब भाग लेने जरूर आइए और ईश्वर की आशीष प्राप्त कीजिए। और ये सब हम समर्पित करते हैं माता मरिया के द्वारा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, हे यीशु का पवित्र दिल तेरा राजा आवे, हे स्वर्ग के सब दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।